বিজেপির কেন্দ্রীয় তথ্য অনুসন্ধানকারী দল আজ রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদের পৌরোহিত্যে 5 সদস্যের ওই দল পঞ্চায়েত ভোটে হিংসা এবং সন্ত্রাসের ঘটনার তদন্তের দাবি জানায় রাজ্যপাল ডক্টর সিভি আনন্দ বোসের কাছে। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে হিংসার কোন তদন্ত হয় না, অনুশোচনা নয়, অ্যাকশন দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন। ये कौन सी पुलिस है ममता जी की, जो गरीब लोग मारे जा रहे हैं, हमला हो रहा है, घर तोड़ा जा रहा है, 12-13 साल के बच्चों पर हमला हो रहा है। कल मैंने प्रेस की थी, मैंने ममता जी से कुछ सवाल उठाए थे, आज देखा अखबारों में कि आई रिग्रेट द वायलेंस। पहली बार ममता जी ने कहा आई रिग्रेट द वायलेंस। ममता जी, सिर्फ रिग्रेट करने से नहीं होगा, एक्शन चाहिए। आज जो हम लोग अपने सारे मित्रों के साथ मिले राज्यपाल जी से, उसका एकमात्र पर्पस यही था। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में आप इस बात की चिंता करें कि इनके जान माल की रक्षा हो, और जिनके ऊपर हमला हुआ है वो पुलिस पर कार्रवाई करें।